तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब लास्ट व्लॉग का टू बी कंटिन्यूड लिखा था, व्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ। तो अभी बज रहे सुबह के 4:30, मेरे को भूख लगा है एंड मैं अभी बनाने वाला हूँ मैगी। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को पता है कि बहुत ज़्यादा मैगी खाता हूँ मैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कितना सारा मैगी यहाँ पे पीछे पड़ा है। ओम, ये सब मैगी मम्मी ने छुपा के रखा था। तो नॉर्मली मैं मतलब एक दो स्लाइस वाला मैगी पूरा एक साथ खाता हूँ, तो इतना ज़्यादा भूख नहीं लगा है, तो ये एक छोटा मैगी खाएंगे। एंड आई नो मैगी काफ़ी लोग बिना ब्रेक किए हुए खाते हैं, बट मुझे ब्रेक करके खाना पसंद है, क्योंकि कभी कभार इरिटेट हो जाता है वो लंबा वाला मैगी खाते खाते। तो ब्रेक करके खाने में मज़ा आता है। एंड मैंने रील्स बनाने चालू किया है, अगर आपको रील्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। एंड तो अभी बनाते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, भूख लगा है। तो चलो, आज सैटरडे तो लॉकडाउन है, तो कुछ सोचते बातचीत करते थोड़ा। तो वैसे हर बार मैं मैगी में क्या बोल रहा था मैं हाँ वैसे हर बार मैं मैगी में बटर वगैरह ऐड करता हूँ, बट ये टाइम सोचा कि मैं सिर्फ ऐसे जो नॉर्मल होता है वैसे ही कहूँ। एंड नींद भी आ रहा है बट सोना नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं सोना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो। तो मैगी डाल दिया गया है, दो मिनट में तो नहीं बनने वाला है, तो रुकते अभी 3-4-5 मिनट तक रुकते हैं, खाते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। वैसे तो आज सैटरडे है, मतलब सैटरडे संडे वीकेंड्स में लॉकडाउन बोला है, तो लेट्स सी कि लोग फॉलो करते हैं या नहीं। मोस्टली तो फॉलो करेंगे, बट क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसे जो शॉप्स है, मतलब वीकडेज में बंद करने बोले थे, बट फिर भी ऐसे जो शॉप्स है एकदम लाइन में, वो लोग मतलब शटर बंद करके वो लोग बाहर आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे मैंने देखा है। बट पता नहीं वो शॉप के ही लोग हैं या कोई और लोग। तो मैगी बन गया है, थोड़ा ड्राई, मेरे को थोड़ा ड्राई खाना पसंद है। मैगी बन गया है तो मैगी खाते हैं फटफुट, ठीक है, मैगी खाते हैं फटफुट और शायद से सुबह जाने चांस मिला तो ब्लॉग करूँगा, मतलब बाद में बताता हूँ, ठीक है, भूख लगा है, गुड नाइट। लेटर दैट सेम इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक यूट्यूब चैनल के बारे में जिसका नाम है फुटप्रिंट्स। तो आप में से काफ़ी लोग उसको फॉलो करते रहेंगे, नहीं भी फॉलो करते रहेंगे, बट मैं उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो वो चैनल जो है क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, 98.4K सब्सक्राइबर्स है अभी फ़िलहाल। तो उनका आज एक व्लॉग आया था, बताता हूँ किस बारे में आया था। मेरे पीछे क्लाउड आज अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कल काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के स्टोरीज देखे थे, क्लाउड अच्छा दिख रहा था, बट आज काफ़ी मतलब काफ़ी महीनों बाद मैं ऊपर आया हूँ टेरेस में, तो पूरा मतलब लॉकडाउन का मेमोरीज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे बैठ के Q&A किया था, सुबह सुबह यहाँ पे ऊपर जाता था, मेरा नया GoPro आने के बाद उसका टाइम लैप्स लेता था मैं, तो ऐसे काफ़ी सारे यादें जुड़े हुए हैं। तो वो सब बाद में बात करते हैं अपन, अभी बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। तो फुटप्रिंट्स, ठीक है, तो उनका ब्लॉग जो था लेट्स कोलैब करके एक ब्लॉग था, जिसमें उन्होंने एक ईमेल आईडी बनाया है जिसमें अपना आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं शॉर्ट फिल्म के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ पे मतलब वो हमें पे करेंगे ना, हमें उनको पे करना है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, सिर्फ एक प्योर कोलैबोरेशन है वो, जिसमें शॉर्ट फिल्म का कोलैबोरेशन है वो, एक अपना आइडिया स्क्रिप्ट जो भी है उस ईमेल में हमें उनको सेंड करना है। तो मैं ब्लॉग पूरा अभी जस्ट देख रहा था, तो मेरे को अच्छा लगा एंड काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी महीनों से मेरे दिमाग में एक आइडिया है एक शॉर्ट फिल्म के लिए, तो मुझे बहुत टाइम से बनाना था, बट बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मतलब टाइम प्रॉपर नहीं हो रहा है दोस्तों के साथ, मतलब
वो भी एक थोड़े दोस्त लोग, उनके साथ अकेला थोड़ी बना सकता है, एक छोटा सा टीम चाहिए उसके लिए, तो टाइम प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है। तो सोचा कि ये जो आइडिया है मैं उन्हें ईमेल करता हूँ। तो मैंने अच्छा खासा एक लंबा छोटा ईमेल डाल दिया है उनको, आई होप वो ईमेल एक्सेप्ट हो जाए एंड कोलैब हो जाए। एंड सेकेंड थिंग, उनका चैनल जो है, मतलब जिस तरह से फुटप्रिंट्स, उनका नाम अमन जैन है, तो जिस तरह से वो स्टोरी टेलिंग करते हैं अपने व्लॉग्स में, भाई साहब उनके सब कोई भी नहीं कर सकता। बट एक ही प्रॉब्लम है कि उन्हें व्यूज़ कम आते कंपेयर टू सब्सक्राइबर्स, तो वो एक मतलब उनका हार्डवर्क दिख के आता है, जो जिस वजह से वो स्टोरी टेलिंग करते हैं ना अपने व्लॉग्स में, वैसे कोई भी नहीं करता पूरे यूट्यूब में। मतलब जो वर्ड से वो प्ले करते हैं ना, पूरा बताते अपने ऑडियंस को, स्टोरी टेलिंग, व्लॉग, एडिट, सब कुछ लेकर सब परफेक्ट है। एंड लास्ट व्लॉग जो मेरा था, जिसमें टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ था, तो बेसिकली मेरे पास दो तगड़े कंटेंट थे, तो वो दो तगड़े कंटेंट में मैं बहुत अच्छा कंटेंट है, मेरे को रिग्रेट हो रहा है। वो कंटेंट हाथ से तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगली बार जब मेरे नेटिव प्लेस जाऊँगा, फर्स्ट शो पहले मैं वो दोनों दिन दोनों व्लॉग शूट करके ही रहूँगा, वो आपको बताऊँगा ही कि क्या था क्या नहीं था। तो चलो, अभी एक व्लॉग शूट हुआ है। एंड आजकल मैं यूट्यूब में ना काफ़ी सारे नए नए व्लॉगर्स को फॉलो कर रहा हूँ, एंड दे आर लाइक, मतलब मेरे को लिटरली मोटिवेट करते हो लोग व्लॉगिंग करने के लिए। काफ़ी सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने, बट सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, जो आइडियाज़ जो कंटेंट बनाते हैं वो अभी के टाइम पे वो अलग लेवल होते हैं, मतलब रेस्पेक्ट। और जब मैं नेटिव प्लेस गया था, तो एक सडन प्लान बन गया था कि चलो कोडैकेनल जाते हैं, वो मेरे गांव से थ्री और फोर आवर्स का डिस्टेंस में वो एक हिल स्टेशन है। तो अचानक से प्लान बना, तो वहाँ पे मैं व्लॉग तो नहीं कर पाया, बट वहाँ पे काफ़ी सारे शॉट्स लिए गोप्रो में, टाइम वॉप लिया, तो वो सब मुझे एडिट करना बाकी है। तो आई होप इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, व्लॉग नहीं होगा, सिर्फ 2-3 मिनट छोटा सा वीडियो होगा जो मुझे एडिट करना बाकी है, वो तो वो एडिट करते ही मैं फट से उसको अपलोड कर दूँगा, तो अपलोड हो जाएगा तो अच्छा है। तो आज का जो व्लॉग है बहुत छोटा सा है, क्योंकि आज जो सुबह मैगी खाने के बाद जहाँ पे मैं जाने वाला था वहाँ पे तो नहीं जा पाया, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ वो काफ़ी दिनों से जो हुआ नहीं है वहाँ पे जाने वाला था मैं, तो आई होप वो जल्द से जल्द मंडे या फिर ट्यूसडे से चालू हो जाए। बाकी आई होप मैंने फुटप्रिंट्स को जो मेल किया है मेरा स्टोरी, वो एक्सेप्ट हो जाए एंड कोलैबोरेशन होगा, काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे, मेरा लाइफ का फर्स्ट शॉर्ट फिल्म होगा फुटप्रिंट्स, ऑल द बेस्ट। अगर नहीं सेलेक्ट हुआ तो भी कोई बात नहीं, मेरे को कुछ गम नहीं है, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है ये, एंड ऑल द बेस्ट, अच्छा स्टेप लिया है। आई नो व्लॉग तो नहीं देखोगे, बट येस ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं अभी अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दबा के जाना, क्योंकि आगे बहुत धमाकेदार व्लॉग्स आने वाला है। सोच रहा हूँ डेली व्लॉगिंग तो होता नहीं है, बट यस 2-3 दिन में जो भी होता है ना वो एक साथ करके मैं आपको बताते जाऊँ, बराबर ना। तो वीक में 2 व्लॉग ट्राई करूँगा अपलोड करने, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत कुछ बोल दिया मैंने इस व्लॉग में। बर्थडे के दिन मैं खुद को कुछ गिफ्ट करने वाला हूँ, उसका व्लॉग आएगा, वो बताने का मन कर रहा है बट मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सस्पेंस खेलना है यार, सब यूट्यूबर सस्पेंस खेलते हैं, बट मुझे अभी से बता के कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट व्लॉग अपलोड करूँगा उसके पहले वाले व्लॉग में थोड़ा बहुत स्नीक पिक दिखा दूँगा कि क्या लेने वाला हूँ मैं। तो आई होप वो व्लॉग एकदम धमाकेदार बने, वो व्लॉग मैं ट्राई करूँगा किसी DSLR से शूट करूँ, कुछ सिनेमैटिक्स, सब कुछ होगा उसमें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। चलो तो IPL देखने जाना है यार, IPL देखने जाना है, चलो चलते।
पूरा दिन कोई नहीं था, बस जैसे शाम हो रहा है लोग बाहर निकल रहे। अबे घर पे जाओ, आईपीएल देखो, ड्रीम इलेवन खेलो, एमपीएल खेलो, मजा नहीं लाइफ फुल क्या है ये। मेरे को भी नीचे जाने का मन कर, बट मैं नहीं जाऊँगा, बाय।